everyone, welcome back to the channel. I hope you all are doing really very well. If you are new to my channel, my name is Rachna. I upload here every day about homemaking and my lifestyle too. If you like such content, then don't forget to subscribe my channel for my upcoming interesting videos. और आज दिन है मंगलवार एंड ये व्लॉग संडे का है, यानी कि दिवाली का. सो एकदम ही अर्ली मॉर्निंग, आप समझ लीजिए कि ये मॉर्निंग नहीं हो रही है, ये रात ही हो रही है. कुछ 3:20 का टाइम हो रहा था. सो जल्दी जल्दी उठ गई थी और उसके बाद मैं सबसे पहले मैंने चौखट पे जल का छिड़काव किया है, फिर पानी पिया, वॉशरूम होकर आई एंड देन उसके बाद अब मैंने बालकनी से झाड़ू लेके एक्चुअली कर लिया था. उसके बाद यहाँ मॉप लेके बाकी की जो क्लीनिंग बाकी थी वो भी कंप्लीट हो गई थी. एंड देन उसके बाद थोड़ी देर बस यहाँ पर मैंने टाइम स्पेंड किया है बालकनी में और उसके बाद में फिर मैं नहाने के लिए चली गई थी. नहाने के बाद में फिर मैंने जस्ट नॉर्मल वाला सूट ही वेयर किया था क्योंकि मुझे शाम को साड़ी पहननी ही थी. तो सूट पहनने के बाद क्या है कि खाना पीना भी काफ़ी कुछ बना था और काम भी रहता है तो वो थोड़ा इजी रहता है काम करना. सो शैम्पू कर लिया था और क्योंकि शाम को भी जब दीपावली का जो मैं प्रिपरेशन करती हूँ, चौकी बिठाना एंड ऑल, तो उस टाइम पे फिर शैम्पू करने की ज़रूरत नहीं है. सुबह कर लिया बट उस टाइम सिर्फ नहा लेती हूँ जो कपड़े चेंज करते हैं. तो बस यहाँ पे शैम्पू कर लिया था और अपना जो भी मेरा काम बाकी है वो करने के बाद में खिड़की वगैरह खोली है मैंने और उसके बाद में फिर मैं गई हूँ पूजा करने के लिए. और ये दीपक जो आप देख रहे हैं ये मैंने छोटी दिवाली की रात को ही, आपने देखा था जब मैंने यम दीपक निकाला था उसी टाइम मैंने सारे भिगो दिए थे. तो बस ये पंखे के नीचे सूख भी गए हैं और फिर क्या है कि दीपावली का जो प्रिपरेशन करेंगे तो उस टाइम पे काफ़ी टाइम सेविंग वाला काम है ये. सो सुबह का वक्त है, आप सभी को सुबह की राम राम जी, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग. और उसी टाइम पे सारा सब कुछ करने बैठो ना कि दिए भी धो फिर सुखाओ, थोड़ा समय तो लगता है सूखने में. सो बस ये सब से क्या है कि ये सब काम थोड़ा करके रखो तो वैसे भी दिवाली की जो चौकी होती है उसको पूरा प्रिपरेशन करने पूजा का अगर बैठो तो 2.5 से 3 घंटा आराम से लगता है. बट इस बार बहुत जल्दी हो गया था, आंचल ने एकदम बराबर पूरा मेरे साथ में पूरा पूजा का रेडी करवाया था तो काफ़ी हेल्प हो गई थी. और वैसे भी 5 दिन से वो बीमार भी थी, अभी थोड़ी वीक फील कर रही अंदर से, बट उसने पूरा करवाया सब कुछ काम पूजा का. और यहाँ पे पूरे घर में भी मैंने गंगा जल का छिड़काव कर दिया, जितने भी फूल पत्ते हैं सब मंगा लिए थे क्योंकि दिवाली का दिन था और त्यौहार में स्पेशली हम चढ़ाते ही हैं फूल. सो यहाँ पूरा मंदिर सजाने के बाद में उसके बाद में की है मैंने आरती. तो आप सबकी दीपावली कैसी गई और आप लोगों ने कितने बजे तक पूजा की, क्या क्या बनाया मेरे साथ शेयर कीजिएगा कमेंट सेक्शन में, मुझे बहुत अच्छा लगेगा. एक्चुअली हमने पूजा कर ली थी 5:27 या 28 हो रहे थे, पूरे 5:30 नहीं थे क्योंकि हम जिस मुहूर्त में पूजा करते हैं तो वो मुहूर्त 4 से 6 तक का था. सो उसी के बीच में हमने आरती कर ली थी और अब आप दर्शन कर लीजिए. सो ये दीपावली में पूरा सजावट की है मैंने मंदिर में, जैसे कि मैं हमेशा ही करती हूँ. सो वही है कि इतनी सजावट करना और पूजा करना तो अच्छा खासा टाइम भी लग जाता है, बट इतना सुंदर लग रहा था मंदिर के क्या बताऊँ. आपको कैसा लगा मुझे बताइएगा. तो पूजा करने के बाद मम्मी के साथ में मैं निकली थी महालक्ष्मी मंदिर जाने के लिए कि दीपावली के दिन हमें माता रानी के दर्शन करने हैं. एक्चुअली मम्मी तो जाती ही हैं, मैंने बोला इस बार मैं भी जाऊंगी. बहुत बहुत भीड़ रहती है वहाँ, बहुत भीड़ दीपावली के दिन. सो यहाँ शाम को लगने वाला सारा ही सामान पूजा का ले लिया था एंड देन उसके बाद हम निकल गए थे मंदिर के लिए. यहाँ सब कुछ मिलता है, यहाँ से हाथी बागान से एक बार मैंने काफी साल पहले एक चादर खरीदी थी लेकिन वो क्वालिटी बहुत अच्छी निकली थी. मैंने सोचा था कि इतनी सस्ती है तो अच्छी नहीं होगी, मगर अच्छी थी. देख के लेना पड़ेगा, देख के तो वही दुकान में डबल दाम.
सो बुधवार और रविवार हाट लगती है हाथी बागान में, तो अच्छी खासी भीड़ रहती है। और क्या नहीं मिलता है यहाँ पे वो बोलिए, बहुत कुछ मिलता है यहाँ पे, यानी कि सभी कुछ। और यहाँ हम पहुँच गए थे महालक्ष्मी मंदिर, और इतना सुंदर सजाया था कि क्या बताऊँ। और आरती मिली है हमें, आप सजावट देख सकते हैं, पूरे शीशे से, कांच से और पूरे ड्राई फ्रूट से पूरा मंदिर सजाया हुआ था। ये देखिए कितना सुंदर सजाया, पूरा काजू बादाम, पूरा ड्राई फ्रूट से और मिरर वर्क पूरा, बहुत बहुत खूबसूरत लग रहा था। और अब आप सबसे पहले दर्शन कर लीजिए। सो दीपावली में कोलकाता में काली पूजा होती है, सो यहाँ पंडाल में माता रानी की मूर्ति भी बिठाई हुई थी। सो चलिए फिर उसके बाद में हम आ गए थे यहाँ बैकुंठनाथ मंदिर, तो यहाँ पर भी फूल प्रसाद लेके हम अंदर गए हैं। और मम्मी ने मुझसे कहा था एक दिन पहले कि तू साड़ी पहन लेना, मैंने बोला कि वैसे ही पानी वानी का इतना प्रॉब्लम है मेरे घर में, और ऊपर से फिर साड़ी पहनने में थोड़ा टाइम लग जाएगा, मैं तो सूट पहन के चलूँगी। तो सूट पहन के ही मैं आ गई थी यहाँ पर। और उसके बाद में यहाँ भी बहुत अच्छे दर्शन हुए हैं एक्चुअली। और फिर यहाँ पर बस यहाँ तक आने के बाद में मैंने मोबाइल को बंद कर दिया था, एंड देन अब हम दर्शन कर चुके थे और फिर उसके बाद में निकले हैं घर के लिए। सो इस तरीके से दीपावली के दिन माता रानी के दर्शन हुए। और आपको क्या बताऊं कि इतनी भीड़, इतनी भीड़ के वहाँ बांस बांध देते हैं, और कितनी दूर तक बांस बंधे रहते हैं ये आप देख सकते हैं। जब तक ऑटो चलेगा आपको यही दिखाई देंगे, तो यहाँ लाइन लगती है। और अगर थोड़ा और लेट करके आओ या शाम के टाइम पर आओ तो अच्छी खासी भीड़ रहती है। अब सबसे पहले शाम को जो दिवाली का पूजन करूंगी, तो माता रानी के लिए खीर चढ़ा रही हूँ मखाने की, जो हर साल ही बनाती हूँ मैं। और ये वही बर्तन है जो पिछले साल मैं खरीद के लाई थी, तो ये भगवान के लिए ही है, बस बना के मैंने ऊपर स्टोर में उठा दिया था। अब इसको अच्छी तरीके से वॉश किया है, और जितना भी सामान लगेगा सब पूरा नया है। अमूल गोल्ड दूध मिला नहीं मुझे, दूध वाले को बोला है मगर वो आएंगे 9:30-10 बजे, त्योहार है तो इसलिए ऐसा तो चलेगा नहीं। मुझे भी फिर मेडिसिन वगैरह खानी है, नींद इतनी सी भी नींद नहीं हुई है मेरी, तो फिर आज तो और भी काम है। तो फिर जल्दी जल्दी करके मेडिसिन खा के नाश्ता करूंगी, क्योंकि माता रानी के लिए जो खीर बनाऊंगी तो वो बिना कुछ खाए पिए ही बनाऊंगी। तो दर्शन तो बहुत अच्छे हो गए, बाकी जितना भी सामान लगेगा सब पूरा नया, थोड़ा थोड़ा मंगा लिया है, सब कुछ है घर में लेकिन माता रानी के लिए बनेगा इसलिए सब थोड़ा थोड़ा। कैंची भी पूजा की है, अमूल गोल्ड से बनाओ ना तो और ज्यादा गाढ़ी बनती है वो, तो दूध काफी मतलब पूरा फुल फैट होता है। मैं बना सकती हूँ उससे, मगर वो तो वही है कि त्योहार का टाइम है, लेट होगा, दूध वाले भैया आएंगे वही 10 बजे तक, तब तो बहुत लेट हो जाएगा। खाना वाना बनाऊं कुछ भी दिवाली के लिए, सबसे पहले ये माता रानी का बना के एक साइड कर दूं, फिर खाना वगैरह बनता रहेगा। सो यहाँ पे 1 लीटर दूध ले लिया था, और उसके बाद में गैस पे मैंने दूध चढ़ाया है और माता रानी को प्रणाम किया है मैंने, क्योंकि उन्हीं के लिए मैं भोग बना रही थी, जो कि मैं हर साल दीपावली में बनाती ही हूँ। मखाने की खीर माँ लक्ष्मी को बहुत प्रिय है, सो मैं बनाती हूँ केसर की। और जो केसर अभी यूज़ करूँगी इसके बारे में मैं पहले भी बता चुकी हूँ। सो दूध में बॉयल आ गया था, चावल भी मैंने डाल दिए थे, गोविंद भोग चावल ही डाले हैं। और ये चक्रेश है, केसर का नाम जो है वो है चक्रेश, तो एवरेस्ट वगैरह की भी मिलती है बट चक्रेश बहुत ज़्यादा अच्छी है। आप कलर देख सकते हैं मैंने कितनी सी डाली थी, मगर इतनी बेहतरीन मतलब खीर बनी थी, और कलर और टेस्ट भी इसका बहुत अच्छा आता है। सो अच्छी खासी मतलब गाढ़ी होने पे आ ही गई थी, चावल भी पक गए थे, तो हिसाब से मैंने यहाँ पे चीनी डाली है, थोड़ी सी बचा ली थी चीनी बट बाद में थोड़ी सी और मैंने डाली है, तो बिल्कुल सब कुछ परफेक्ट ही था। तो मखाना और काजू, दैट्स इट, मैंने और कुछ भी नहीं डाला था, और थोड़ा सा अच्छे टेस्ट और खुशबू के लिए डाला था इलायची पाउडर।
तो बहुत अच्छी खीर बनी थी। और बस सबसे पहले ये खीर ही बना ली थी और उसके बाद में फिर चाय बना के नाश्ता किया है, उसके बाद फिर मैंने मसाला वगैरह पीसा है। सो यहाँ दो सब्जी के लिए खट्टा मसाला किया है मैंने, तो चार बड़े साइज़ के टमाटर लिए हैं और 2 इंच अदरक का टुकड़ा इस तरीके से लंबाई में कट करके ले लिया है, और हल्दी, धनिया, मिर्ची पाउडर और 1 चम्मच मैंने पोस्तो दाना यानी कि पॉपी सीड्स डाला है। तो प्याज लहसुन तो डालना ही नहीं था, तो बस इस तरीके से क्या है कि आप पॉपी सीड्स डाल लो या खरबूजे के बीज डाल लो तो उससे मसाला बढ़ जाता है, गाढ़ा भी हो जाता है। 2 लौंग और 1 स्टिक मैंने दालचीनी की भी डाली है। सो मसाला पीस लिया था और ये मिर्ची देखिए 1 दिन पहले नुका के रखी थी, गोभी पूरी सारी काट के रखी थी। तो इस तरीके से 1 दिन पहले करके रख लो ना तो इतना आसान हो जाता है, स्पेशली तब जब आप मेरी तरह अकेले करने वाले हो कि किचन में भी आपको अकेले करना है, सारा काम भी आपको अकेले करना है, तो ये सब बहुत अच्छी खासी मतलब आपकी मदद हो जाएगी आपके खुद के काम से। सो सरसों का तेल गरम हो गया था, उसमें 2 तेज़पत्ता डाला, थोड़ी सी हल्दी डाली है और गोभी डाल दी है मैंने, और साथ में ही डाल दिया है आलू, तो अपने आप ही मतलब दोनों ही फ्राई हो जाएंगे। सो अलग अलग करके और निकालने की ज़रूरत नहीं है, ये झंझट वाला काम तो मैं करती ही नहीं हूँ। और जो मसाला पीसा है ना तो उसमें प्याज है ना लहसुन है, सो बहुत ज़्यादा पकाने की भी ज़रूरत नहीं है। जब तक वो फ्राई हो रहे हैं तो यहाँ 400 ग्राम मैंने अमूल पनीर लिया है, तो मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ कि मैं यहाँ अमूल पनीर बना रही हूँ। अगर आप अपने बगल की शॉप से कोई सॉफ्ट पनीर लेते हैं तो उसको एकदम लास्ट में डालिएगा जब आप गैस बंद करें, सब्जी बन जाए तब। सो इसमें नमक, हल्दी और थोड़ा सा लाल मिर्ची पाउडर डाला है, इससे क्या है कि पनीर जो अलग से जैसे फीका टाइप का लगता है वो बिल्कुल भी नहीं लगेगा और इसका टेस्ट काफ़ी इन्हेंस हो जाता है क्योंकि मैं इसको फ्राई करने वाली हूँ। और यहाँ गोभी और आलू अच्छी तरीके से फ्राई हो गया है, तो जो मसाला पीस लिया था बस वो ऊपर से यहाँ डाल दिया है मैंने, तो हिसाब से इसमें थोड़ा सा मसाला डाला है क्योंकि मुझे आलू गोभी की सब्जी बिल्कुल ही सूखी बनानी थी और ये मेरी मतलब ऑल टाइम फेवरेट सब्जी है तो एक सब्जी मैंने अपनी फेवरेट बनाई थी, और मटर पनीर बच्चों को बहुत पसंद है, बाकी घर में सभी को पसंद है। एकदम 2 से 3 चम्मच पानी डाला था और ढक दिया चला के, और यहाँ सरसों के तेल में ही बना रही हूँ, तो जो मैंने मिला लिया था पनीर बस उसको मैंने डाल दिया है फ्राई करने के लिए, और इसको मैंने बनाया है टमाटो प्योरी के साथ में। तो समय की थोड़ी कमी थी और त्यौहार का टाइम था, काम ज़्यादा था, तो प्योरे बनाना आपको नहीं बता पाई हूँ, किसी और वीडियो में बता दूँगी। वैसे काफ़ी इजी होता है, टमाटर को बॉईल करके और उसका छिलका पील करके आप पीस लीजिए तो प्योरे बन जाता है, और उसमें मैंने थोड़ा सा कश्मीरी लाल मिर्ची भी डाल के पीसा था तो अच्छा लाल रंग हो गया था उसका, अभी आप देख लीजिएगा। सो बस पनीर फ्राई हो गया और उसी तेल में मैंने डाल दिया 2 तेज़पत्ता और यहाँ जो बाकी का मसाला था वो डाल दिया, तो बस इसको अच्छी तरीके से चला लेंगे। और साथ के साथ ही मैंने इसमें मटर डाल दिए हैं, तो मसाला भी भुनता रहेगा और मटर भी इसी में हो जाएंगे। और जब तक ये मसाला होगा तब तक मैंने थोड़ी थोड़ी करके दाल पीसी है मंगोड़ों के लिए। सो इस दाल को पीसने के लिए बहुत ज़्यादा जैसे मिक्सी पे लोड पड़ेगा ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये वाली जो दाल है थोड़ी सी पीसनी है और थोड़ी खड़ी रखनी है, तो थोड़ा थोड़ा पीसने से ही काम बन जाता है मंगोड़ों के लिए। सो देख सकते हैं आप, पानी मैंने 1 चम्मच के करीब पूरे जार भर के दाल जो है उसमें डाला है, वैसे भी और ज़्यादा डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, थोड़ी दाल खड़ी रहेगी और थोड़ी पिसी रहेगी, इसी तरीके की दाल चाहिए होती है। और यहाँ 5 से 7 मिनट हो गए थे मीडियम गैस पे मसाला मैंने भूनते हुए, और ये मसाला भून गया है और अब इसमें डाल दे रही हूँ फ्राई किया हुआ पनीर, साथ के साथ ही ये टमाटो प्योरे मैंने जो बनाया था। सो इसका कलर इतना लाल इसलिए है जैसा बाज़ार में मिलता है, इसमें मैंने कश्मीरी लाल मिर्ची टमाटर को जब मैंने छिलका निकाला तब मैंने मिक्सी में डाल के पीस लिया था, तो इसी तरीके का प्योरे बाज़ार में मिलता है दूसरे दूसरे ब्रांड का, तो आप घर पे बनाइए और इसका टेस्ट जो आता है ना मतलब मटर पनीर में प्योरे डालने के बाद में, तो वो अनादर लेवल आता है, बहुत अच्छा आता है, तो तीज त्यौहार में अच्छा लगता है ऐसा बनाना। और बस इसको मैंने चला दिया है, कंसिस्टेंसी काफ़ी थिक है तो मैंने इसमें पानी डाला है, और ये बहुत ज़्यादा जैसे पतला नहीं होगा सही रहेगा क्योंकि थोड़ी देर अभी पकेगा भी,
तो बस हिसाब से अभी इस टाइम पे मैंने इसमें नमक बैलेंस किया है और इसको मैंने मीडियम गैस पे ढक दिया था 5 से 7 मिनट के लिए। तब तक फिर दोबारा यहाँ पे इस कढ़ाई का ढक्कन खोला है और आलू अच्छी तरीके से गल गए थे। सो यहाँ पे जैसा कि आपको पता है कि मैं गोभी जो है उसको मैं इस तरीके से तोड़ लेती हूँ, और जब गोभी को तोड़ लिया जाता है, गोभी हो या बैंगन, तो जब वो आलू के साथ में मिक्स होता है तो वो बहुत अच्छा टेस्ट देता है। खड़ी खड़ी गोभी मुँह में आती तो इतनी अच्छी नहीं लगती है। तो तोड़ लिया है थोड़ा, और 1/2 टीस्पून के करीब कश्मीरी लाल मिर्च, थोड़ा सा गरम मसाला और 1 चम्मच देसी घी का डाला है। सो ये सब्जी बहुत बहुत अच्छी बनती है, आप बना के ट्राई ज़रूर कीजिएगा, तो आपको भी काफ़ी पसंद आएगी। रेसिपी ईजी है, बेसिक से मसालों से बनी है जो घर में अवेलेबल है, और नमक यहाँ पे बैलेंस किया है मैंने। सो ये सब्जी बनके रेडी है, बस इसको हरे धनिया के साथ में गार्निश करूँगी। सो यहाँ ये डन है, और उसके बाद में दूसरी वाली सब्जी भी ऑलमोस्ट डन ही थी, तो उसको भी फिर मैंने हरे धनिया के साथ में गार्निश किया है। तो 5 से 7 मिनट के बाद में सब्जी की कंसिस्टेंसी बिल्कुल परफेक्ट थी। सो यहाँ पे थोड़ा सा गरम मसाला मैंने डाला है, और इस टाइम पे आप इसमें कसूरी मेथी भी डाल सकते हैं अगर आपको उसका टेस्ट ज़्यादा अच्छा लगता है तो। मैंने डाला नहीं है क्योंकि इसमें हरा धनिया का टेस्ट मुझे पसंद है। सो बस तेज़पत्ता निकाल दिया था और हरा धनिया डाल दिया, तो ये वाली सब्जी भी बन गई थी। और उसके बाद में इस वीडियो में मैंने फिर से पूरी डिटेल में रेसिपी शेयर की है मंगोड़ों की, क्योंकि बहुत रिक्वेस्ट आ रही थी कमेंट सेक्शन में। सो यहाँ धनिया ले लिया है ढेर सारा, हरी मिर्ची ली है, और बहुत चटपटे बनते हैं, और ये हींग घोल के रखी है मैंने। तो मिर्ची तो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही डालें, और नमक तो ये बस 3 से 4 सामान ही इसमें लगता है, और बहुत अच्छी बनती है। अगर आपके पास गीली वाली हींग नहीं है तो आप पाउडर हींग भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले मैंने हींग डाल के अच्छी तरीके से चला लिया है, और उसके बाद मिर्ची डाली है। मिर्ची आपको काफ़ी लग रही होगी, मिर्ची थोड़ी बढ़ा के ही डालती हूँ मैं इसमें। काफ़ी अच्छा चटपटा बनता है, मगर ऐसा भी नहीं कि खा ना सको, दाल भी अच्छी खासी क्वांटिटी में है। और धनिया आप समझ लो कि कुछ नहीं तो 250 ग्राम के करीब धनिया है ये। सो धो के अच्छी तरीके से काट लिया था मैंने, और एक एक करके सारा ही सामान इसमें मिक्स कर दीजिए। बट हाँ, मेक श्योर कि आप इसमें बिल्कुल भी हाथ से इसको मिक्स ना करें, क्योंकि इसमें जो मिर्ची है उसके बाद फिर सारा दिन आपका हाथ सिर्फ जलेगा, जलन होगी, तो इस चीज़ का आप बिल्कुल ध्यान रखें। तो फिर उसके बाद में मैंने हींग डाल दी, हरी मिर्ची और हरा धनिया भी पूरा मिक्स कर दिया, और फिर उसके बाद डाला है नमक। तो नमक इसमें थोड़ा सा रोक के ही डालिएगा, क्योंकि बहुत जल्दी चटक जाता है नमक इसमें, यानी कि तेज़ हो जाता है। तो फिलहाल अभी इतना डाला है, और बाद में थोड़ा सा कम था तो फिर मैंने फ्राई करते टाइम थोड़ा सा मिक्स किया था नमक को। तो नमक हमेशा, ये खाना हो चाहे कोई भी खाना हो, आप हमेशा अपने हिसाब से थोड़ा सा नमक को कम ही रखिए, क्योंकि कम होगा तो दोबारा डाल सकते हैं, और ज़्यादा हो गया तो फिर उसका कुछ करने का नहीं रहता है। और यहाँ आ गई थी, थोड़ा कपड़े को मैं पलट के सुखा रही थी कि शाम को चुन्नी लाइट वगैरह जलेगी तो अच्छा लगेगा। और ये देखिए पानी की कैन हमने मंगा के रखा हुआ है, ये 40 लीटर है 20-20 लीटर का, तो पानी की इतनी प्रॉब्लम हो रही थी तो पानी एक्स्ट्रा में मैंने त्यौहार के दिन मंगा ही लिया था एट लास्ट। आज के ब्लॉग में दोबारा तो नहीं बोलूंगी, बहुत बार मैंने रेसिपी दी है मंगोड़ों की, तो इस वाले वीडियो में मैंने फिर से डिटेल्स में दी है, तो आप चेक जरूर कीजिएगा। और जरूरी नहीं है कि त्योहार में ही बनाएं, आपके घर में गेस्ट आए, आपका मन करे बना के खाइए, और गेस्ट तो एकदम खुश होके जाएंगे, आपके हाथ चूम के जाएंगे, इतने अच्छे लगते हैं। तो सब्जियां दोनों बन गई हैं, मंगोड़े बन रहे हैं, इतना है समय लगेगा बनने में। और पूरी बना रही हूँ, आटे में जस्ट नमक डाला है, और ये रही वो हींग घोल के रखी थी एक ही बार में दोनों के लिए, तो बस नमक और हींग डाल के आटा घोल रही हूँ। सो कुछ दिन पहले जो मैंने मंगोड़े बनाए थे और मैंने रखे थे ऑडी के यूनि रैप में, तो इतने घंटे तक फ्रेश थे, आप समझ लो कि 24 आवर्स के बाद भी बिल्कुल फ्रेश ही बने हुए थे।
वैसे रहते हैं फ्रेश बट इतने नहीं रहते हैं। सो ये जो है ऑडी का यूनिलैब ये बहुत अच्छा है और इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दिया है, आप वहां से जाके चेक कर सकते हैं और आप बाय भी कर सकते हैं। सो मैं तो अब रोटी बनाऊं या कोई चीज़ फ्राई करूं या पराठा बनाऊं तो मैं रैप करती हूं ऑडी के यूनी रैप में, क्योंकि ऑडी के यूनी रैप में खाना रहता है घंटों फ्रेश। और बस उसके बाद मैं यहां एक एक बैच करके सारे मंगोड़े मैंने बनाए हैं और समय तो लग ही जाता है क्योंकि अच्छी खासी क्वांटिटी में भी मैं बनाती हूँ। और यहाँ मैंने कढ़ाई चढ़ा दी थी, देसी घी का डाला है और एक तरफ मंगोड़े भी तल रही थी और दूसरी तरफ ये सबसे पहली पूड़ी मैंने चूल्हे में यानी कि अग्नि देवता जी को अर्पित की है। और उसके बाद मैंने देसी घी में 11 पूड़ी गाय के लिए निकाली है जो मैं त्यौहार में दीपावली में खिलाने जाती ही हूँ। तो बस यहाँ सबसे पहले मैंने गौ माता के लिए ही मैंने बना ली थी और उसके बाद इसी घी में रिफाइंड को मिक्स करके फिर घर के लिए मैंने पूड़ियाँ तली हैं। तो इस तरीके से हो भी गया था जल्दी और मतलब आप समझ लो कि कितने ज़्यादा बिजी चल रहे हैं कि एक सेकंड बैठने का टाइम नहीं मिल रहा है। एक तरफ नाश्ता बन रहा है, एक तरफ भोग बन रहा है, फिर पूड़ियाँ बन रही है, मंगोड़ा बन रहा है, फिर आपको समय से बैठना भी है दोबारा से नहा के और पूरी चौकी पूरी प्रिपरेशन करना है दीपावली पूजन का। तो इस तरीके से समय तो लग जाता है अच्छा खासा और आदमी टायर्ड भी हो जाता है। बट यही है कि इतना बड़ा त्यौहार है साल का तो उसको अच्छी तरीके से मनाएं तो उस जगह ये नहीं देखा जाता है कि हम कितने थके हैं। और ये गौ माता को खिलाने के लिए खाना निकाल के ले गई थी मैं। सो बस यहाँ पर अब मैं नहा चुकी हूँ सारा काम करके और शायद दोपहर के कुछ 2:05 हो रहे थे। सो नहा के ये येल्लो वाला सूट मैंने वेयर किया और पूरा झाड़ू पोछा हो गया था और फिर पूरे घर में मैंने गंगा जल का छिड़काव किया है क्योंकि फिर अब मुझे बैठना था चौकी लगाने के लिए और उसमें काफ़ी समय लग जाता है प्रिपरेशन में। और एस्ट्रो को इस टाइम से यानी कि 2:00 आप दोपहर का समझ लो जो झाड़ू पोछा हुआ है इस वाले रूम में तो हो तो गया था पूरे में, बट इस रूम को जो मैंने बैठ के प्रिपरेशन करने के टाइम पर लॉक किया है तो एस्ट्रो को दूसरे दिन जब मैंने मूर्ति उठा के मंदिर में स्थापित कर दी उसके बाद ही एस्ट्रो को रूम में एंटर करने दिया है क्योंकि देखिए वो फिर से फिर मुँह डालेगा कुछ करेगा तो वही बात हो जाती है ना फिर। और यहाँ सारा सामान मंदिर का रख के मैंने दोबारा से सारे सामान पे भी गंगा जल का छिड़काव किया है और आसन लगा के मैं बैठ गई थी। और ये चौकी मैंने पिछले साल बड़े बाज़ार से ही खरीदी थी पूजा के लिए। तो ये सूतली है जो बांधने वाली होती है तो 6 मैंने ये केला पत्ता लिए थे, 4 ये चौकी में मैं बांधती हूँ और 2 दरवाजे के बाहर कलश के बगल में जो जैसे लगाते हैं आप लोग भी लगाते होंगे बस वैसे ही मैं भी लगाती हूँ। सो इस तरीके से ये सूतली से बांध दो तो सारी रात अच्छी तरीके से बंधे रहते हैं। और सबसे पहले मैंने ये पीला जो कपड़ा मिलता है पूजा का वो बिछाया है, उसके ऊपर से बिछा रही हूँ यहाँ पे लाल कपड़ा जो पूजा का होता है। और उसके बाद फिर मैंने बनाया है अष्टदल कमल, तो माँ लक्ष्मी की पूजा में या फिर आप किसी भी पूजा में अष्टदल कमल बना के और कमल के ऊपर आप दीपक रख के सारी रात अखंड ज्योत आप जला सकते हैं, बहुत शुभ होता है। सो इस तरीके से मैंने बनाया, ये कमल की डंडी से ही मैं बना रही हूँ, फिंगर से भी बना सकते हैं या और इससे और भी ज़्यादा ईजी होता है कोई जैसे नुकीली सी चीज़ हो तो। तो यहाँ पे इस तरीके से सबसे पहले मैंने मूर्ति को स्थापित किया है और तब मैंने बनाया है अष्टदल कमल। और माँ लक्ष्मी के पूजा में हल्दी का इस्तेमाल ज़रूर कीजिए, माँ लक्ष्मी बहुत प्रसन्न होती हैं। तो ये मैं हल्दी ही भर रही हूँ बीच में, मैंने कोई कलर नहीं लिया है अलग से। सो यहाँ बन के रेडी था और सजावट के लिए मैंने रोरी जो होती है रोली उसका यूज़ किया है। सो बन गया था और ये बंधन वार ये मैं आँचल को बता रही हूँ कि इस तरीके से करके बहुत ही इजी वे है, जो डंडी रहती है यहाँ पर पूरी स्टक हो जाती है और बहुत ही आसानी से बंधनवार बन जाती है। तो उसने भी पूरा पूरा काम शाम तक मेरे साथ में पूरा प्रिपरेशन कराया, आप समझ लो कि 2 से 2.25 घंटा लग गया था, हम दोनों ने मिलके पूरा चौकी बिठाया है प्रिपरेशन किया है। फिर यहाँ मैं करने लगी थी कलश रेडी
और आंचल बार बार जाके उसको समझा रही थी कि भाई तू भौंक मत। उसको कंट्रोल नहीं हो रहा था कि मुझे आखिर रूम से बाहर निकाल के कैसे गेट बंद कर लिया। बट मैं तो उसको अंदर ले नहीं सकती थी, साल की इतनी बड़ी पूजा और वो कुछ भी इधर उधर ख़राब करेगा तो वो फिर सही नहीं रहता है। और यहाँ चांदी के सिक्के चढ़ा दिए हैं और दीपक पूरा रेडी करके और दीपक में लगा दिया है नया वाला चांदी का सिक्का जो धनतेरस में खरीद के लाए थे। सो बस यहाँ पे प्रिपरेशन पूरी डन थी। फिर मैं गई हूँ मुँह हाथ धो के, फिर मैंने साड़ी पहनी है और जितना उस टाइम तक मैं सज पाई हूँ, जस्ट एक लिपस्टिक ही लगा ली थी बस। उसके बाद मैं यहाँ पे दीपक प्रज्वलित किया है और एंड देन उसके बाद मैंने आरती की है, सबको बुला लिया था। और इस साल चिंकी हैदराबाद में ही है, यहाँ पे नहीं था तो उससे तो वीडियो कॉल पे ही बात कर ली थी। और आपको पता है चिंकी ने भी वहाँ पे जहाँ पे रह रहा है रेंट पर, तो वहाँ पर उन लोगों ने सबने मिलके घर में लक्ष्मी पूजन किया था, तो कितनी अच्छी बात है। तो यही हमारे बच्चों के संस्कार हैं, वो जो शुरू से देखते आए हैं तो उसने सब कुछ पूछ के बहुत अच्छी तरीके से पूजा पाठ किया। और बस यहाँ सबको मैंने बुला लिया था, फिर की है आरती। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सुतम नमामि। ओम जय लक्ष्मी माता, ओ मैया जय लक्ष्मी माता, तुम को निश दिन ध्यान मैया जी को निश दिन सेवत हरि विष्णु विधाता। ओम जय लक्ष्मी माता, धावत रिद्धि सिद्धि धन पाता। ओम जय लक्ष्मी माता, नी हो पाताल निवासनी, तुम ही शुभ दाता। ओ मैया तुम ही शुभ दाता माता। बोलो लक्ष्मी मैया गणेश भगवान की जय। और विवेक को हो गया था, लेट आया है पूजा होने के बाद, तो चलिए कोई बात नहीं, मैंने बोला कोई बात नहीं बेटा तू आरती कर ले, तो उसने कर ली थी। सो दीपावली का पूजन यहाँ पे हो गया था संपन्न, बड़ी सुख शांति से हो गई थी पूजा। और अब आपको दिखाती हूँ घर। सो देखिए कितने दिनों पहले से प्रिपरेशन चल रही थी, दीपावली आ रही है, दीपावली आ रही है, ये साफ़ करो वो साफ़ करो, ये सजाओ वो सजाओ। फाइनली जितना कर पाए तो उतना किया। कैसा लगा आपको घर मुझे बताइएगा। ये दरवाज़ा पूरा सजाया है रंगोली करके, और विवेक की तरफ का भी दरवाज़ा मैंने ही सजाया है, आप देखिएगा रंगोली मैंने ही उसकी पूरी प्रिपरेशन किया। और यहाँ पे अब मैं आपको दिखाती हूँ जो चौकी मैंने पूरी सजाई है, ये रंगोली मैंने बनाई है यहाँ पे। सो अब आप मूर्ति के दर्शन कीजिए। और अब देख लीजिए 365 दिन साल के भरा हुआ रहता है ये कपड़ों से, तो कपड़े लेके भी कहाँ जाएं। सो आज आपको दिख रहा होगा कि बालकनी पूरी खाली है, मैंने पूरी खाली कर दी थी। जो धोने के कपड़े तो 100% रहेंगे ही हमारे, तो वो मैंने कुछ वॉशिंग मशीन में डाल दिए थे और कुछ यहाँ गमले में रख दिए थे। सो कितना प्यारा घर लग रहा था। और पूजा होने के बाद में फिर यहाँ पे आंचल अपना टचअप कर रही थी, और बस ये एक दो कपड़े तो हर घर में ही रहते हैं, सो ये बाद में उठा लिए गए थे। और बस यहाँ तक आपने देखा, ये फ़ोटो भी मैंने आपको शो किया है एक दिन पहले। और बस पूरा घर घुमाना हो गया एंड फाइनली वापस आ गई हूँ इसी दरवाज़े पर। तो बस यहाँ पूजा होने के बाद में फिर चली गई थी मम्मी के यहाँ, और अब आपको दिखाती हूँ मम्मी ने जो चौकी बिठा के पूजन किया है। सो ये है मेरी मम्मी के घर का दीपावली का पूजन, और बहुत ही एकदम नियम से मेरी मम्मी भी पूजा पाठ करती हैं, इसीलिए ये सब चीज़ मुझे मेरी माँ से ही मिली है, सो मैं करती हूँ। और अब आप मेरी मम्मी को देख लीजिए, इतनी प्यारी लग रही थी। ये सब रजवाड़े स्टाइल के जो प्योर गोल्ड होते हैं ना, ये पुराने ज़माने के जो डिज़ाइन है बड़े सुंदर लगते हैं, तो पूरी पॉलिश वॉलिश करा के एकदम इतनी प्यारी लग रही थी मेरी मम्मी, तो मैंने सोचा कि आपको भी दिखाऊं। आपको कैसी लग रही थी मुझे बताइएगा। और कुछ वहाँ पे हमने पिक्स ले लिए थे भैया के साथ, मम्मी के साथ, थोड़ी देर बैठ के मम्मी के साथ में बातचीत की,
और बस ज़्यादा नहीं 15 से 20 मिनट शायद मैं बैठी होंगी, क्योंकि जब घर में चौकी लगाते हैं और अखंड ज्योत रहती है तो आपको घर छोड़ के ज़्यादा देर के लिए निकलना नहीं चाहिए। बट आंचल थी, उसके पापा थे, सभी लोग थे, तो मैंने बोला मैं 10 मिनट में मिल के आती हूँ, मैं आऊँगी तब तू जाना नानी से मिलने के लिए। तो फिर मैं बस यहाँ थोड़ी देर बैठी थी। और बस उसके बाद घर वापस आके अब आपको प्लेटिंग करके दिखा रही हूँ, यानी कि रात में, क्योंकि दोपहर को टाइम ही नहीं मिला, पूजा का मुहूर्त ऐसा था। तो जो जो डिश, जो जो रेसिपी मैंने आपको दिवाली से पहले भी बना के दिखाई हैं, सब कुछ की प्लेटिंग मैंने की है। सो कैसी लगी दीपावली की ये थाली आपको, मुझे ज़रूर कॉमेंट सेक्शन में बताइएगा। सो दीपावली आ रही है, अब तो चलिए दीपावली चली भी गई और बहुत ही सुख शांति से दीपावली मनी भी। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सबकी भी दीपावली बहुत अच्छी मनी हो। सो आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। माँ लक्ष्मी आप सभी पे धन वर्षा करें और आप सभी को स्वस्थ रखें। सो ये थी हमारी दीपावली की शाही थाली। और उसके बाद में बस ये देखिए, ये मैंने सेंसर वाले दिए मंगाए हैं, ज़रा सा पानी डाल दो तो चलने लगते हैं, बड़ी अच्छा है ये। सो इसी को रात भर जला दिया था तेल के दिए जलने के बाद में। सो चलिए इसी के साथ आ गई हूँ इस वीडियो के एंड पर। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, लव यू, टेक केयर, बाय बाय।